विश्वास के अंगीकार से परमेश्वर का वचन हमारे साथ काम करता है अब यहां पर हमें एक और बात याद रखनी है फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे दो स्वर्ग हैं एक तो तीसरा स्वर्ग है जिसमें परमेश्वर रहते हैं और एक तो दूसरा स्वर्ग है जिसमें शैतान रहता है जब कभी आप तीसरे स्वर्ग के परमेश्वर का वचन अंगीकार कीजिएगा तो श्वेत घोड़े पर विराजमान श्वेत घोड़ा घोड़े पर विराजमान श्वेत कपड़ाधारी जिसके वस्त्र लहू से छिड़के हुए हैं वो तुरंत आपके वचन के अनुसार एक्टिवेट होकर के कहेगा आमीन। मैं लड़ता हूं धार्मिकता और न्याय के आधार पर लड़ता हूं यदि आपने दूसरे आसमान वाले के कंट्रोल में होकर के कोई बात बोली तो यहां काले घोड़े पर बैठ करके काले कपड़े वाला वो आमीन ठोकने के लिए भी खड़ा है अब तुमको जिससे भी आमीन ठोकवाना है उससे ठोकवा लो वचन के अनुसार बोलोगे विश्वास करोगे तो श्वेत घोड़ा एक्टिवेट हो जाएगा और यदि आपने संसारवाद के प्रभाव में आकर के संसारवाद की बातों को बोलने के लिए अंगीकार किया तो यह काले घोड़े पर विराजमान काले कपड़े वाले जिसके दो सींग भी हैं ओ निडा समान वामिन ठोकने के लिए तैयार है बोलो क्या बोलना चाहते हो बोलोस बाबा कहते हैं ऐसे बोलो जैसे परमेश्वर का वचन बोलते हो वचन तेरे निकट है स्पीक द वर्ड ऑफ स्पीक एज द वर्ड ऑफ गॉड सेस इसलिए उठते बैठते चलते फिरते वचन बोलो वचन को याद करो वचन के आधार पर अपनी जिंदगी का भविष्य अनाउंस करो क्योंकि जीव में भावचक्र में आग लगाने की क्षमता है एक छोटे से लगाम के द्वारा घोड़े की दिशा बदली जा सकती है एक छोटी सी पतवार से जहाज को बदला जा सक... उसकी दिशा मोड़ी जा सकती है यह जीव भी एक नरक कुंड की आग के समान है एक छोटी सी बात से शादी टूट जाती है खाने में प्लेटें चलने लगती हैं और रोटियां है। उड़ने लगती है सॉरी हाल लोहिया समझ रहे हैं तो कहने का मतलब यह है एक छोटी सी बात घर में आग लगा देती है बोलो ईश्वर प्रभु की इसलिए ऐसे बोलो जैसे परमेश्वर का वचन बोलते हो अब हमको वचन याद वगैरह है नहीं सुनते हैं बस इधर से सुने उधर से उड़ा दिए तो भैया सामने वाला मिड हेवन वाला लव यू लव यू तो करेगा ही करेगा और यदि आपको वचन याद है लिखा है ये वचन तेरे मन में है वचन तेरे पास है वचन तेरे मुंह में है यदि तू मन से विश्वास करे तो धर्मी हो जाएगा और यदि तू मुंह से अंगीकार करे तो तेरा छुटकारा हो जाएगा कन्फेस द वर्ड ऑफ गॉड एक पद बोल करके समाप्त करेंगे इब्रानी की ना माफ करना प्रकाशित वाक्य की किताब और आ, प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका बारवा अध्याय और दस पद से फिर मैंने स्वर्ग पर से बड़ा शब्द आते हुए सुना कि हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है क्योंकि हमारे भाइयों को दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने दोष लगाया करता था वह गिरा दिया गया है और वे हमारे पीछे कहें आप भी जो YouTube में है वे भी और Facebook में है वे भी और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए अब प्रश्न यह है किस पर जयवंत हुए अरे दोष लगाने वाले पर कौन है दोष लगाने वाला यही पुराना अजगर इबली शैतान जो अयुब के चारों तरफ के बाड़े को तुड़वा दिया था जो तुम्हारे घर में आ जाता है कई बार कानाफूसी करता है कई कर बार सुस्त बना देता है कई बार गुस्सेला बना देता है कई बार बीमार बना देता है कई बार गरीब बना देता है कई बार टेंशन आ जाता है ना जाने कितने रकम की परिस्थितियों को पैदा करने वाला यही वह पुराना अजगर है जिसको लहू के द्वारा और वचन की गवाही के द्वारा थ्रू द कन्फेशन मुख के अंगीकार से उद्धार मिलता है इसलिए ना परमेश्वर के वचन को अपने लिए ले लो और उसको अंगीकार करो और ऐसी कल्पना करो कि कोई है जो आपके बाजू में है श्वेत घोड़े पर है उसकी आंख आँख आग की ज्वाला है आपके घर में भूत है ना पति पत्नी में झगड़ा करवाते हैं सास बहू में होती कबड्डी है ना टेंशन में हो ना रात को बुरे बुरे सपने आते हैं पैसा आता तो है बहुत पर जाता कहां है नहीं समझ में आता चार बार नाश्ता परोसना पड़ता टेबल पर और आए दिन नाश्ते के कारण झगड़ा मेरे लिए अंडा नहीं बचा रोटी में कम तेल था पर खा लिए सूखी रोटी है मैं भट्टा नहीं खाता मिर्ची ज्यादा हो गई दिमाग खराब नमक ज्यादा हो गया आए दिन कबड्डियां हो रही खाने की टेबल में आपको मालूम है यह प्रॉब्लम आपका नहीं है पर कोई है जो आपकी घर की शांति को छीनने के लिए तैयार है वहां पर एक श्वेत घोड़ा भी आपके बाजू में है अब किसको एक्टिवेट करना चाहते हैं यदि श्वेत घोड़े को एक्टिवेट करेंगे तो घर के भूत ऐसे पतली गली ढूंढेंगे छज्जे से निकल के भागेंगे हां उसको बोलो तो सही वो तो आपके निकट है ना आपके मन में है ना आपके जीव में है ना उसको बोलो तुरंत आंखों से आग की ज्वाला निकलेगी और वो भागते नजर आएंगे सिर में पैर रख करके हमें टेंशन मत दो आप अपनी समस्या का टेंशन खुद लो जी हां हम गुरु किल्ली दे रहे हैं आपको वचन के अनुसार विश्वास कीजिएगा अंगीकार कीजिएगा वे मसीह के लहू के कारण और अपने शब्दों की गवाही के कारण उस पर जयवंत हुए आओ जितने भी लोग अपनी जिंदगी के अंदर में जहां जहां जिन जिन बातों पर उलझे और फंसे हुए हैं उनको श्वेत घोड़े पर विराजमान वचन को आपकी जिंदगी की ओर से लड़ने वाला बना लो और उसका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में आपके मन के अंदर में वचन आपके मुख के अंगीकार से वो घोड़ा और घोड़सवार जिसकी आंखें आंख की ज्वाला है जिसने कई राजमुकुट पहने हैं आपकी समस्या का समाधान करने के लिए हफ्ते नहीं लगाएगा टुडे इज द डे ऑफ सालवेशन नॉट टुमारो बाइबल में कल का कोई काम नहीं है आज ही उद्धार का दिन है